देश दुनिया च वसते पंजाबियों नूं जी आया, मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंद्रपाल सिंह। सरदार साहब, एक खबर की पैड़ नपद्या नपद्या मैनूं वक्त दे गेट का अहसास होया कि एक किन्ना बलवान पावरफुल हुंदा है। बिल्कुल, देखो एक हिंदी गाना भी आउंदा हुंदा सी, वक्त की हर शै गुलाम, वक्त का हर शै पे नाम। और जिहड़ी खबर तुसीं गल कर रहे हो इन्नी बरीकी आ कि एक घटना 17 महीने तो एक सरकार बार, तो फिर 17 महीने बाकी है। हाँ, घटनाक्रम उन्होंने रावा की पैड़ मली जाती। बिल्कुल, फिर सरकार जिहड़ी है एक खतरे च है। खतरे च एक खबर छपदी है पंजाबी दे एक वड्डे अखबार दे विच, एक अदालती प्रक्रिया का जिक्र आउंदा है जिहदे विच बेदबी मामलों नूं लैके सुनवाई हुंदी है और सरकार तो जवाब मंगया जांदा है। सानू अक्सर अदालती प्रक्रियावां दीआं मर्यादावां दा ख्याल रखना पैंदा है और साडे लई ओह सब तो सुप्रीम भी ने, लेकिन घटना दर घटना घटनाक्रम जदों असीं देखिया पैड़ नपद्यां नपद्यां असीं उहनां राहवां ते हो तुरे जिहड़े 2015 च खुल्लदे। बिल्कुल, 2015 च बेदबी दीआं घटनावां हुंदीआं जी, उदो अकाली गवर्नमेंट दे लगभग इन्ने कु साल रही इन्ने कु महीने रहिंदे 17 महीने रहिंदे जिन्ने कु हुण वाली सरकार दे जिन्ने कु हुण वाली सरकार दे। और 2017 तक आउंदिआं बेदबी मामलिआं दा कोई सिरा नहीं लगदा ते अकाली भाजपा सरकार बाहर हो जांदी। बिल्कुल, और बहुत बुरी तरह इतिहास दे विच किसी दी एड्डी वड्डी अकालिआं दे नजरिए तो शिकस्त होई होवे तुहानूं सब नूं पता, गल्लां कहिण दीआं नहीं मैं मुड़दा। और कारण की है कि हुण ये जिहड़ा केस है ये पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच एक रिट की सुनवाई हुंदी है जी। सुनवाई सिर्फ इन्नी है कि जिहड़ा बैबल कलां गोली कांड दे विच एक दोषी सी मन्निया, जिहनूं अदालत कह ने बकायदा जेल भी भेजिया, उस बंदे ने रिट कीती है कि मैनू जिहड़ा सियासी रंजिश तहत बदलाखोरी तहत फसाया जा रहा है ते इल्जाम लाया कुंवर विजय प्रताप ते। इल्जाम लाया कि कुंवर विजय प्रताप सिंह जिहड़े कि स्पैशल इनवैसटिगेटिंग टीम दे सीनियर अधिकारी ने उन्हां उपर जी। अदालत जिहड़ी है वह पंजाब सरकार नूं पुछदी है कि जे कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं SIT तो लांभे कर दीए तो तुहानूं कोई इतराज तां नहीं। ये बहुत वड्डा सवाल है और पंजाब की सियासत च हड़कंप मचाउण वाला जी। ये सिर्फ ते सिर्फ अदालत वालों पुछया गया सिंपल सवाल नहीं, असीं तुहानूं घटना दर घटना कई ऐसा चीज़ों तो जाणू करवावांगे, हालांकि हो सकता तुहानूं कुछ अंदाजे भी होण। असल दे विच जदों जदों असीं एक कागज़ तो एक दस्तावेज तो दूजे दस्तावेज तक पहुँचते हैं तो कई नंगे चिट्टे सच इवें दे आ जिन्हां नूं देख के इंज लगता कि जाल तो बहुत ही वड्डा है। बिल्कुल, बहुत डाढ़िआं दा। बाकी ये घटना एड्डी आम नहीं है, खबर आम नहीं है, क्योंकि अदालत ने बैबल कलां गोली कांड दे विच दोष पत्र दाखिल करन ते रोक लगा दित्ती है। मेरा ख्याल है कि ये पंजाबियों के खास तौर पर नानक नाम लेवा हर बशर के मन ते वड्डा एक बोझ है कि बेदबी मामलों अजे तक कुछ बनया क्यों नहीं, तो जेकर उस प्रक्रिया जी इंसाफ वाल तुर रही है उन्होंने रोक दिता जाए। हालांकि अदालतों का अपना तौर तरीका होंगे है, वो असं किंतु नहीं करते, ना वो दखल दें ना देने की कोशिश कर रहे हैं। जे वो उत्ते रोक लगी है तो असी अदालत तो उरे जो कुछ वापरद, क्योंकि अदालत तत्थों पर चलती है, वह फैक्ट्स जोड़े पेश किए जाते जे पेश नहीं किए जाते उन्होंने चलती है। सवाल यह है कि जदों अदालत विच ये फैसले आउंदे आ तो पछा मुड़िए। देखो ये फैसला उदों आ रहा अज दी जिहड़ी खबर जो दस रही है, ये नोटिस होया, ये नोटिस होया जो भी नोटिस होया जी, ये उस वेले आ जदों कुंवर विजय प्रताप सिंह फरीदकोट की अदालत दे विच बकायदा एक मामले दे विच तुहानूं याद है एक प्रदीप सिंह वादा माफ गवाह बनिया सी, और ये सारे केस इहो जे वादा माफ गवाह दे उत्ते ही टिके होंदे। बिल्कुल, वादा माफ गवाह बनन दे उत्ते कुंवर विजय प्रताप सिंह खुद अदालत पेश हुंदे ने जी, अदालत नूं दसदे ने कि यह बंदा कौन है ते इहदा की लैण देण सी। और उहदे तों बाद तुहानूं याद होना एक खबर छपी सी बड़ी छोटी जी,
उन्होंने कहा कि ये गोली चलाने वाले जिहड़े हुक्म देने वाले ने इन्हां दी कड़ी किधर नूं जांदी। मैं इस होर थोड़ा वाधा करदे आं, होर स्पष्ट करदे आं, क्लीयर करदे आं। जदों कुंवर विजय प्रताप सिंह अदालत विच पेश हुंदे आ, जिथे प्रदीप सिंह वादा माफ गवाह बणदा है, उस दिन बचाव पक्ष दे वकील ने कुंवर विजय प्रताप दी दलील दे उल्ट, प्रदीप सिंह दी दलील दे उल्ट अदालत विच इह कहा सी कि प्रदीप सिंह मुजरम है जी, ये वादा माफ नहीं, ये मुख मुलजम बनता है बिल्कुल, और ये मुख मुलजम दे तौर ते विचारिया जावे, वादा माफ गवाह नहीं जी, ते फिर अपुष्ट खबर नहीं, स्पष्ट धारावां ने इह कहा गया 164 धारा तहत कुंवर विजय प्रताप सिंह होरां दे अदालत दे विच बयान दर्ज ने। कुंवर विजय प्रताप सिंह उत्थे इह कहिंदे आ कि जे इह मुलजम है हाँ, ते फिर जिहड़े गोली चलाउण दा हुक्म देण वाले ओह कौन है, ओह कौन ने, इह सवाल कोर्ट दे विच ऑन रिकॉर्ड है। जेकर इहनूं स्पष्ट ना भी करिए, साडे कोल कुछ ऐसे दस्तावेज भी ने जिन्हां दा मैं जिक्र अगे जाके करूंगा। जदों इह चलान पेश हुंदा है बहुत समा पहला, बिल्कुल उहदे विच 41 नंबर तों 51 नंबर पेज तक जिहड़ा समरी दित्ती होई है, 41 तों 51 नंबर पेज दे विच उह सारा घटनाक्रम दस्सिया, घटनाक्रम कि किवें जिहड़ा सौदा साह दा पोशाक पाउंदा है, फिर ओनू पंथ चो खारज के टोटली जिदू तुसी कह सकदे हो कि जो जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन दी रिपोर्ट है जी, असी पहला भी कह चुके हैं कि जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन ने जो जांच कीती वो एक मैक्रो रिपोर्ट सी जी, मैक्रो जांच सी, उस मैक्रो नू माइक्रो जांच वाले पासे इस स्पैशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम तोड़दी है। सरदार साहब, उस चार्जशीट के जी कुंवर विजय प्रताप से उन्होंने टीम ज जी एस आई टी के सारे लोग है उन्होंने वालों पेश किया गया, वो 10 पन्निया च उस समराइज किया गया, बहुत क्लीयर पिक्चर आ कि उस बाणे जिहड़ा गुरु महाराज का स्वांग रचिया उस बाणे की रीस की गई, उस तो बाद किवें उन्हों बाहर कढ़िया जाता, फिर उन्हों शामिल किया जाता, माफी दिती जाती है, उसकी फिल्म जिहड़ी है मैसेंजर ऑफ गॉड उसकी खातर सारा पंच रचिया, उसके विच किवें इश्तिहार दिते जाते हैं एस सी पी सी वालों, सारा घटनाक्रम उसके विच है किवें उन्हों बचाया जाता। हुण उस दिन जिस दिन प्रदीप सिंह अदालत विच वादा माफ गवाह बन रहा सी, और मैं रिपीट कर दिया कि एक केस जिवें समेत सैनी वाला मुल्तानी मामले च केस है, उहदे विच भी दो इंस्पैक्टर वादा माफ बन रहे और मौके दे घटनाक्रम नूं हूबहू पेश कर दिया, क्योंकि जिहड़े प्रदीप सिंह ने इह उस टाइम दे एस एस पी जिहड़े चरणजीत शर्मा सन उहनां दे लीडर सन, और इह दावा करदे आ कि इहनां दे ये जो दस रहे हैं ये सच है, यही सच मन्या जांदा अदालत वालों भी, क्योंकि जदों कोई नाल शामिल बंदा अदालत की मदद लिए अगे आउंदा, सो सरदार साहब उस दिन कुछ ना ले गए जी, उन्हां नावां दे विच दो, एक तो साबका डीजीपी जिहड़े अजकल फसे हुए हैं केसां दे विच, बिल्कुल बिल्कुल, और दूजे उदों दे एक डीआईजी जां आईजी सीगे जी, उन्हां दा नाम लेकिन एक आईजी, लेकिन एक तीजा नाम सी जिहड़ा मीडिया दे विच नहीं सी आया, नहीं सी आया, एक तीजा ना कुंवर विजय प्रताप सिंह अंदर उत्थे लेंदे है, और शायद वो रिकॉर्ड दे विच भी दर्ज है जी, असी क्योंकि नशर नहीं करते, लेकिन वो एक बहुत वड्डा ना सी, और उस तो बाद ये केस फिर एक बारी सुर्खियां च आउंदा जी, ये केस सुर्खियां च आउंदा, फिर एक रौला पैंदा रहा कि जिस दिन समेत सैनी एस आई टी दे अगे पेश होणगे जिहड़ी कि मुल्तानी मामले च बणी आ, उसे दिन जिहड़ी ए सिट आ कुंवर विजय प्रताप जिहदे मैंबर ने इन्हां वल्लों उन्हां नूं गिरफ्तार कीता जा सकदा, सो घटनाक्रम इस तरीके नाल अगे वधदा है सरदार साहब कि रोंगटे खड़े हो जांदे आ कि गुरु महाराज की बेअदबी के मामले च भी जे इंसाफ लैण लई जिथे सारियां सरकारां दावा कर रही कि असी तो कख नहीं, साढ़े तो पल्ले कुछ नहीं, गुरु साहब के सामने असी की आ, जिथे साढ़े किरदार जाके झूठ बोलणों भी नहीं हटते, एक पूरा सैशन जिहदे विच वड्डे वड्डे लीडर दावे करते आ, उह सैशन जिहदे विच सारे मंत्री और आखिर दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आखदे आ कि गुरु महाराज के मामले च बेअदबी मामलों च जे इंसाफ नहीं मिलता तो साढ़े होण का मतलब ही कोई नहीं बनता। अज कितना समा बीत गया, जो घटनाक्रम हुण सामने आ रहा इन्हूं देख के मैनूं इंज लगदा कि यह कोई गुरु का कौतक है जिहड़ा वरताया जा रहा जिहड़ा वरत रहा। देखो इहदे च एक चीज़ होर तुसी देखो, स्पैशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम नूं खामोश करन लई, मैं लफ़ज़ वरत रहा खामोश करन लई, उहदी आवाज़ नूं बंद करन लई
चाहे वह कुंवर विजय प्रताप सिंह के रूप चाहे किसी होर दे जी, जरूरी नहीं कि अगर कुंवर विजय प्रताप सिंह बहुत सख्त ऑफिसर ने तो उन्हां तों बाद जिहड़ा भी बहुत नरम होवे जी, जिहदी अंदरों जमीर जाग पई, जिहदे अंदर अपनी वर्दी का जिहड़ा फर्ज जाग पिया, वह बहुत खतरनाक हो सकदा, खास करके जिहड़े लोग कोई गुनाह करते हैं उन्होंने नहीं, जिस दे ब्रेन च कुदरत दी कोई अपनी तार चल गई, तार चल गई, जदों गुरु असी जदों ये गल कर रहे हैं तो सानू कोई जरूरत नहीं, असी किसी होर निके निके मसलियां ते जा सकते हैं, साढ़े कोल होर किन्ने मसले आ, अज मदन मोहन मित्तल ते सुखबीर सिंह बादल दा काफी चुंझ चर्चा रही है, बड़े ईजी मौके होंगे असी भाषण झाड़ सकते हैं, लेकिन ये असी लंघ के जा नहीं सके क्योंकि जिम्मेवारी कुदरत प्रति, वाहेगुरु प्रति, अपने इष्ट प्रति, ते इन्हां अध्यात्म दीआं राहां ते भी बनदी आ, सजा जिड्डी मर्जी वड्डी होवे, अज सुखबीर सिंह बादल जो मर्जी कहण, लेकिन 2017 दी शिकस्त, 2017 दी हार, हाँ, गुरु महाराज दी बेदबी दे कारण ही है, और अज सरदार साहब जदों ये सब वापर रहे, एक सेकंड रुकण लगा जी, क्योंकि इस तो पहला दो वारी कोशिश हुई है, एक वारी तुहानू याद है चोण दे वेले अपील हुई सी, रिट हुई सी हाई कोर्ट दे विच जी, और उस वेले रिट करन वाले भी उही SHO जिहड़े पंधेर ने, उन्होंने रिट कीती सी कि जिहड़े कुंवर विजय प्रताप सिंह है इन्हां नूं पंजाब तों बाहर कीता जाए जी, याद है उहदे तों, इह चोण कमिशन नूं अकाली दल ने भी किया सी, अकाली दल ने भी किया सी जी, उहदे तों बाद जदों अगस्त 2018 दे विच विधानसभा दा विशेष सैशन होया, उस वेले एक मता पास होया सी कि यह जांच जिहड़ी CBI पहला ढिल्ली जांच कर रही है उत्तों वापस ली जाए, तो जांच स्पैशल इनवैसटीगेटिंग टीम दे कोल ही रहन दित्ती जाए जी, उस तो बाद एक साल बाद CBI जिहड़ी सी उह कहिंदी सी तुसी कौन हो जी, जदों CBI उत्थे जवाब दायर किया, क्लोजिंग रिपोर्ट दायर की अदालत च, कहिंदे पंजाब सरकार कौन है, सरदार साहब ये घटनावां जिहड़ियां लोकां दे चेतियां च ने, पता है असी लंबा समा ना लईए, सीधा मुद्दे ते मैं आना चाहूंगा, एक बहुत अहम सवाल आ कि कुंवर विजय प्रताप नूं इस जांच तो अलग करने लई कोई साजिश हो रही है, सवाल वड्डा है कि कुंवर विजय प्रताप दे मामले च माणयोग उच्च अदालत वालों सरकार तो यह पुछया जाना कि उन्होंने जांच तो वक्ख कर दईए, कोई इतराज तो नहीं, यह कहा जाना कि कुंवर विजय प्रताप नूं जिहड़े पटीशनर आ कि वक्ख कीता जाए, और बहुत वड्डे वकीलों का हाजिर होना, हाँ वो एडवोकेट जिहड़े जिन्हां दा अनुभव बड़ा विशाल है, ते सरकार वाले पक्ष तो ढिलापन, ये एक वड्डे सवाल है कि एक बहुत वड्डी साजिश तहत कुंवर विजय प्रताप नूं इस केस नालों वक्ख कीता जा रहा, यह पहला भी जिवें सरदार साहब ने दस्या कि अप्रैल मई जदों इलैक्शन हुंदी आ उदों भी कुंवर विजय प्रताप नूं इस केस नालों वक्ख करन दी कोशिश कीती गई, उदों वक्ख कीता भी गया, लेकिन अज फिर जे ओही गल दोबारा तुरी है ते की इहदा सिद्धा संबंध जिहड़ा प्रदीप सिंह दे मामले च वादा माफ गवाह बन दे वाले दिन वापरे घटनाक्रम नाल सिद्धा क्यों ना जोड़िया जावे, कि कोई बहुत वड्डी धिर खड़ी है कि कुंवर विजय प्रताप नूं इस केस तों बाहर दा रस्ता दिखाता जावे, बिल्कुल कुंवर विजय प्रताप नूं हटाता जावे, बहुत वड्डा सवाल है, और एक गल क्लीयर हो रही है, साढ़े सोर्स दसते हैं, असी पुख्ता करन दी भी कोशिश की है कि कुंवर विजय प्रताप एक बारी जिन्नी कोशिश हुई सी अप्रैल मई च मन बना चुके सी वक्ख होण दा, लगातार हिट किया गया, कोशिश की गई, बयानबाजी हुई, जिवें जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन के मामले च भी हुई कि यह अपने आप ही इस केस नालों वक्ख हो जाण, लेकिन कुंवर विजय प्रताप इस केस नाल लगातार जुड़े हुए आ, बहुत बरीकियां उन्होंने पता है, सरदार साहब ने कहा कि कोई दो रावां नहीं, कि जरूरी नहीं कि कुंवर विजय प्रताप सब तो काबिल अफसर ने, कोई होर हो नहीं सकता, लेकिन सवाल है कि जिस बंदे ने सालों तक इस केस से एक केस से बरीकियां ते मेहनत की है, दूजे बंदे दे आउण ते उहदे डिले होण दे चांस बहुत ज्यादा ने, वह उस पद्धर से उस तरीके नाल नजरिए नाल समझ भी सकता कि नहीं, सो वड्डा सवाल आ कि कुंवर विजय प्रताप नूं इस केस तों वक्ख करन दी कोशिश क्यों हो रही है, कि दो वड्डे पुलिस अधिकारियां दे नाल नाल जिस तीजे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा, हाँ उस वो व्यक्ति बहुत पावरफुल है, कि सरकार दे विच भी उस व्यक्ति का बहुत असर है जी, कि सरकार इन्हां मामलों की हाई कोर्ट दे विच प्रॉपर
एडवोकेसी नहीं कर रही। तुसी सही नुक्ते ते लाए जी, तुहानू याद है कि 2018 दे विच जो एस आई टी ये काम शुरू करती है जी, उस वेले जो फड़ोफड़ाई शुरू हो जाती है, एस एस पी चरणजीत शर्मा को गिरफ़्तार कर लिया जाता, उमरा नंगल जिहड़े ने ऑफिसर ने सीनियर ऑफिसर ने उन्होंने भी अदालत के सामने गिरफ़्तारी का सारा कुछ उन्होंने हुंदा। उस वेले भी सुमेत सैनी जिहड़े ने वो हाई कोर्ट च जाके ब्लैंकट बेल लेंदे ने। बिल्कुल, मैं डेट दसदा जी, मेरे को पत्र पंजाब टैलीविजन को पत्र मौजूद ने, सरदार साहब ठीक कह रहे हैं कि 11 अक्तूबर 2018 नू एक ब्लैंकट बेल मिलती है कि फड़न तो फड़, जे पुलिस ने गिरफ्तार करना, एस आई टी ने गिरफ्तार करना, फिर पहला नोटिस दिता जाए। और बिल्कुल स्पष्ट कर दईए कि उही अप्रैल जिहड़े दो साल पहला अंतरिम बेल, अंतरिम जी ब्लैंकट बेल, ब्लैंकट बेल वो अज दो साल लगभग निकलने तो बाद अपने अर्थ गवा चुकी सी जी। लेकिन सरदार साहब बहुत मुल्तानी केस दे विच, जो मुल्तानी केस दे विच सुमेत सैनी जमानत लई अर्जी दायर करते ने, उहदे विच फिर उही 7 दिन का एडवांस नोटिस आ जाता। सरदार जी नहीं, घटनाक्रम होर पेचीदा है। मुल्तानी केस दे विच जदों मानयोग सुप्रीम कोर्ट तो राहत मिलती है सुमेत सैनी नूं जी, लेकिन एक संसा सी उहनां दे मन च, सुमेत सैनी दे ब्रेन च और मीडिया च गल सी कि जेकर वो पेश हुंदे आ मुल्तानी केस च ते उहनां नूं बरगाड़ी मामलियां च, बेदबी मामलियां च अरैसट किया जा सकता जी। सो उन्होंने पेश होण दी बजाए कोर्ट दे विच, और मैं वो घटनाक्रम दसदा है, मेरे कोल जिहड़ा उन्होंने एडवोकेट जनरल दे दफ्तर नूं पत्र भेजिया, नोट्स भेजिया ईमेल राही, ईमेल राही, और जिहड़ी अधिकारत ईमेल आई एडवोकेट जनरल दे ऑफिस की, वह लगभग उस 17 तरीक वाले दिन 17 सितंबर वो नोट्स जड़ा जांदा है जी। लेकिन जो सुनवाई होंदी है 21 तरीक वाले दिन जी, जिस दिन ये ब्लैंकट बेल की गल होंदी है, ये 21 तरीक वाले दिन उस एडवोकेट जनरल के दफ्तर वालों कोई खास व्यक्ति एडवोकेट पेश नहीं होंदा, पेश नहीं होंदा, जेड़े रूटीन के कम्मा काजां लई उत्थे हाई कोर्ट च मौजूद होंदे आ जी, सरकार दे नुमाइंदे, वह महज मूक दर्शक होंदे आ, सब नूं पता है, जिहड़े सिर्फ डेट्स ते नोट करन तक होंदे आ, लेकिन जदों खास केस होंदे आ उन्हां दिनां दे विच खास एडवोकेट पैरवाई लई जांदे आ, और खास तौर ते आप एडवोकेट जनरल भी बहुत ही वारी हाजिर होंदे आ। लेकिन 21 तरीक वाले दिन उस को खास तैयारी नहीं सी, और 23 तरीक का जिहड़ा ऑर्डर मेरे कोल है ब्लैंकट बेल का, वह बड़ी आसानी नाल सुमेत सैनी नूं मिल जांदी। हुण सवाल आ कि मुल्तानी केस के मामले च वो एक पहलू आ, हाँ बहुत ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन का वड्डा मसला है, लेकिन गुरु महाराज की बेअदबी का मामला कोई छोटा मामला भी ज्यादा गंभीर ते संगीन, और उस मामले जिथे दो व्यक्ति मारे जाते हैं गोली नाल, अजे तक पता नहीं लग्या कि गोली चली कितों, और वो गोली पुलिस की आ, और कितों हथियार सी की सी, वो सारिया चीजा तुहाडे कोल ने। लेकिन ये जिहड़े साडे कोल पत्र ने जिन्हां दे विच ये ब्लैंकट बेल मिलती है, और सुमेत सैनी एक सेफ रस्ता हासिल कर लेंदे, हाँ, और सेफ रस्ते दे नाल नाल सरदार साहब होर घटनाक्रम भी वड्डे आ, जेकर होर ज्यादा कागजात तक जाने आ मन नूं झुंझणी आउंदी आ किन्ना दौर च जी रहे आ, जदों गुरु महाराज की बेअदबी के मामले च स्टेट के मुख्यमंत्री सुहिरद ने, वो कहिंदे ने कि ये इंसाफ हर हाल च होना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अपने राज विच जेकर ये मसलियां नूं इन्नी गंभीरता नाल नहीं लिया जा रहा ते आखिर कित्थे कित्थे कुताइयां हो रही, आखिर साजिश के विच कौन कौन शामिल है, देखना होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार नूं जिम्मेवारी तो किवें तुसीं परे रख सकते हो, कि वह लोग जिहड़े लोग इस वेले गिरफ्त विच कानूनी सिकंजे विच आ, वो इन्ने पावरफुल आ कि वह कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उपर दी जाके फैसले करवाउण दे विच समर्थ ने, कि वह एडवोकेट जनरल दे दफ्तर दे उपर दी जा रहे ने, कि ऐसा ढांचा विकसित हो गया जिहड़ा पूरे दा पूरा बेअदबी मामलियां च इंसाफ च अड़चन बन गया। एक होर सवाल भी सीगा कि कई ऐसियां नियुक्तियां ने जिहड़ियां नियुक्तियां जदों असीं अगले समय दे विच उन्हां नूं डिस्कलोज करांगे डेफिनेटली, जिथे उन्हां नियुक्तियां ते भी हरफ आ रहे आ कि ये सारे कुछ दे विच कित्थे
सब तो कमजोर कड़ी है कित्थे कुंवर विजय प्रताप नूं इस केस तो बाहर करन दा तरीका अपनाया जा रहा और सब तो वड्डा सवाल कि जे खुदा ना खासता कुंवर विजय प्रताप जिहड़े आम तौर ते धुन दे पक्के मन्ने जांदे आ उस बंदे नूं बहुत ही वारी टो के वेखण वालियां नूं पता बहुत सारे जर्नलिस्ट गल करदे आ कि उह छड्डण वाली स्थिति च नहीं लेकिन आम जे कोई अफसर होवे ते उह आसानी नाल इहो जे मुश्किल हालात चों अपने आप नूं पासे कर लैंदा। देखो सवाल बड़ा तुसीं स्पष्ट करता कि सिट जिहड़ी आ उहदी एब्रीवेशन आ स्पैशल इनवैसटीगेटिंग टीम जी के विशेष अधिकार ने पूरी तह तक जाएगी जी ते जे उन्हों नहीं मनना ते जे उन्हों सिट कह देना भी बैठ जा फिर दोष उस स्पैशल इनवैसटीगेटिंग टीम का नहीं ये आदेश देने वाले का कि बैठ जाओ मिट्टी पा दो। बाकी जितों तक तुसी गल कही कि कैप्टन साहब ने वादा किया इंसाफ मिलेगा मैं साफ करदा कि इस तो पहला 17 महीने लगातार अकाली भाजपा सरकार भी कहती रही कि बेअदबी का इंसाफ जरूर मिलेगा बेअदबी का इंसाफ जरूर मिलेगा वो अज भी कहते रहे लेकिन सवाल यह आ कि जो इंसाफ देन वाले देन की वारी आती है उदों कहते कि सानू नहीं पता। सरदार जी जेकर जेकर घटनावां जिस दिशा नू मोड़ा लै रहीआं लजाईआं जा रहीआं जे उवें वापर जांदीआं ने इस सरकार दे सामने जवाब देना औखा हो जू पब्लिक नू इह सरकार दे सामने कोई रस्ता नहीं बचदा जे कुंवर विजय प्रताप इस जांच नू इस मोड़ ते लिया के इहदे नालों वख कर दित्ते जांदे आ जां वख हो जांदे ने उस स्थिति च कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े कि इस गवर्नमेंट का चेहरा ने उन्हां नूं अपना चेहरा लोकां को लैके जाना बहुत मुश्किल होगा और हालात बन रहे ने कुंवर विजय प्रताप क्विट भी कर सकते ने लेकिन बहुते बहुते मौके इस तरह के नजर आ रहे हैं जिथे कुंवर विजय प्रताप नूं बाहर करता जाए सिर्फ किसी एक अदालत की एक लाइन नाल के इन्हां नूं ताकि किसी गवर्नमेंट के उत्ते भी यह हरफ ना आवे कि सरकार ने नहीं बदलिया यह अदालत वालों बदलिया गया लेकिन की अदालत विच पैरवाई हुई कि अदालत विच ऐसियां कार्रवाइयां ऐसियां तरीकां दे मौके ते ठीक पैरवाई हुई केड़ियां तरां एडे वड्डे वड्डे वकील दूजे बन्ने खड़ियां कर रही हैं। सो सवाल बड़े वड्डे आ इन्हां सवालों का जवाब गुरु ग्रंथ साहब के नजरिए तो मैनू तां मैं तो एक छोटी जी उदाहरण देने लगा जी कि जदों इंसाफ देने वेले तुहाडी अपनी तंग दिली है जी तुसीं इंसाफ नहीं देना चाहते तो फिर हालात जो बनते ने वो कंध ते लिखिया पढ़ना बनता कि कल किसानी जिहड़े बिल ने उन्हां नूं लैके पंजाब बंद सी पूरे 6 सूबे बंद सी जी और कल जो असी तस्वीर प्रतख देखी है ये पंजाब दे इतिहास पहली वार है कि जिन्ने सियासी झंडे सी जी जिन्ने सियासी लोग सी जी उन्हां नूं लोकां ने अपने तो दूर कर दिता कि सानू तुहाडी लोड़ नहीं जी असी इंसाफ आप लवांगे जी इस तो वड्डा शीशा कोई नहीं हो सकता सियासतदानां नूं दिखाउण दे लई। लेकिन लेकिन मैं क्योंकि मैं वाइंड अप करना चाहुंदा मैं इस मामले च जज्बाती हो जूंगा जे इस तो अगे जाना है क्योंकि जदों भी असी कोई आशीर्वाद लई कोई शुकराने लई अरदास लई गुरु घरां दे विच प्रवेश करदे आ दाखल होंदे आ ते बहुत वारी भावुक होंदे आ लेकिन इस मामले च जिथे बेअदबी दा इंसाफ नहीं मिल रहा उत्थे आम जन सधारण की भावुकता का पद्धर असी देख चुके हैं कि एक सरकार नूं गोडिया पार करता कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े कि सियासी माहिर ने जिन्हां नूं पता है कि मौके ते किहड़े फैसले लैणे आ जेकर उन्हां दे हुंदिआं इह सब वापर रिहा ते जिम्मेवारी किहदे सिर पाईए जेकर सचमुच जिन्ने भी जिन्हां नूं कहिंदे आ कि शक्की ने कैप्टन अमरिंदर सिंह इस केस नूं अपने हाथ च लैणगे
कि एडवोकेट जनरल का दफ्तर यह यकीनी बनाएगा कि किवें वह लोग आसानी नाल रात अदालतों चो लैके खुलेआम घूम रहे पूरे पंजाब वासियां दे जख्मां ते इस तो वड्डा की नमक हो सकता कि सच सामने ही नहीं आ रहा और हुण उम्मीद इस तो बाद खत्म हो जू धुंधली हो जू क्योंकि 30-30 साल अगे इंसाफ नहीं मिलिया ते जे ये 30 साल तक लटकना है ते इहदी बहुत लोग बलि चढ़नगे जिवें अकाली भाजपा सरकार गई इहदे नाल कई होर सियासी फेलीअर नज़र आउणगे सो ये सियासत का दंभी चेहरा नंगा हुंदा रहूगा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं तुरंत प्रभाव नाल दखल दे के देखण दी लोड़ आ कि आखिर किते कुछ गलत तां नहीं हो रहा आखिर किधरे कोई चोर मोरी तां नहीं आखिर कोई कमजोर कड़ी इन्हां केसिस नूं सिरे लगण तों रोक रही है सो ये एक क्रैडिबिलिटी का भरोसेजोगता का सवाल है जिन्हों तुरंत प्रभाव नाल हल करना बनता है कुंवर विजय प्रताप का टिकिया रहना बड़ा जरूरी है उन्हां दा इस मामले नूं अखीर तक अंजाम तक लैके जाना अत अहम आ क्योंकि उस तो बाद जेकर कोई नवे लोग आउंदे आ उन्हां नूं समझण च देरी होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह यकीनी बनाउण कि तुरंत इहदे ते कारवाई करन साडा अदालतां दी प्रक्रिया पूर्ण भरोसा है सारा असीं अदालतां दा सन्मान करदे हां साडा कोई एक लफज भी अदालती प्रक्रियावां दे मामले च नहीं और ना असीं कोई ऐसी जोरत कर सकदे हां लेकिन डॉक्यूमेंट्स और घटनावां जिन्ना असीं चर्चा कीती है उहदे उत्ते आधारित है बहुत मेहरबानी बहुत धन्यवाद।